मुझे जल्दी वेट लॉस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डाइट करूं या पहले मैं एक्सरसाइज पे फोकस करूं? वेल, इसे जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा आपकी बॉडी एनर्जी बर्न कैसे करती है। 75% जो आपकी बॉडी एनर्जी बर्न करती है दैट इज योर बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर मैं इस कुर्सी पे बैठा हूं फिर भी मेरे लंग्स काम कर रहे हैं, मेरा हार्ट काम कर रहा है, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी खर्च हो रही है मेरी बॉडी की। सेकेंड इज थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, जो भी मैं खाता हूं उसे पचाने में, डाइजेस्ट होने में फिर मेरी बॉडी एनर्जी खर्च कर रही है। थर्ड इज फिजिकल एक्टिविटी, जो बचता है सिर्फ 15-20% तक। सो यू नो अगर आप एक्सरसाइज करते हो बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट आप नहीं डाल रहे। सो रादर देन फोकसिंग ऑन एक्सरसाइज, अगर आपको जल्दी है वेट लॉस करने की, यू शुड फोकस ऑन जो आप इनटेक कर रहे हो, दैट इज योर डाइट। प्लीज अंडरस्टैंड कि पतला होने में और फिट होने में जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज आपको फिटनेस और पतले होने में या वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस नहीं पता, तो इसलिए आपको बेवकूफ बनाना बहुत आसान हो जाता है उन लोगों के लिए जिनका काम है प्योरली पैसे कमाना। और उसका प्राइम एग्जांपल है बहुत सारे ट्रेनर्स, डाइटिशियंस और नंबर वन आते हैं स्लिमिंग सेंटर्स। वो इसलिए क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है और वो है आपके वेइंग स्केल में जो सुई है वो थोड़ी सी नीचे हो जाए। और ये करना बहुत आसान होता है और इसको कहते हैं पतले होना, फिट होना नहीं। क्योंकि इन मैक्सिमम केसेस जब आप इन लोगों के तरीके अपनाते हैं, जो होता है जनरली स्टार्वेशन डाइट या लो कार्बोहाइड्रेट लो सॉल्ट डाइट्स या फिर एक्सेसिव कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइजेज या जिसे हम स्टेडी स्टेट कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइजेज कहते हैं, या अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट करना, उसमें से पानी निकालना जो मेजर स्लिमिंग सेंटर्स करते हैं, तो एक्चुअली में आप फैट लूज नहीं करते, आप लूज करते हैं मेजरली वाटर एंड सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मसल मास। तो आप पतले या श्रिंक हो रहे होते हैं, आप फिट नहीं हो रहे होते, आप स्ट्रांग नहीं हो रहे होते। इसका एक बहुत ही ऑप्टिमल एग्जांपल होगा एक रोड साइड लेबरर। अगर आप किसी लेबरर को देखें तो वो फिट नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है, वो स्टार्व्ड होता है क्योंकि उसकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा एक्सेस होती है और उसको हार्डली प्रॉपर डाइट मिलती है खाने को। आपकी बॉडी में अगर आप फिट होना चाहते हैं, स्ट्रांग होना चाहते हैं, आपकी बॉडी कंपोजिशन को ठीक करना चाहते हैं, रियली फैट लॉस करना चाहते हैं, तो जो सबसे प्रेशियस चीज़ है वो है आपकी मसल्स। वो इसलिए क्योंकि आपकी मसल सेल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जिसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, उसका काम होता है एनर्जी प्रोडक्शन। तो जितना ज़्यादा आपका मसल मास बढ़ेगा उतना ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा, और इसका मतलब है उतना ज़्यादा आपकी बॉडी फैट को बर्न करेगी, एनर्जी को बर्न करेगी। जब आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स करते हैं या वो वर्कआउट करते हैं जो आपकी मसल को ओवरलोड कर रहे हैं, तो आपकी मसल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और वो अडैप्ट करती हैं अपने को स्ट्रांग होकर मोर माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करने के लिए। तो जितना ज़्यादा आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करेंगे उतना ज़्यादा आपका माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ेगा और उतना ज़्यादा आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। इसीलिए लीन मसल मास जितनी ज़्यादा ग्रो होगी उतना ज़्यादा आपकी बॉडी कॉम्पोजिशन और स्ट्रेंथ और फैट बर्निंग के लिए बेटर है। जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक फर्नेस की तरह होता है, उसे हमेशा जलते रहना होता है और उसके लिए उसे फ्यूल चाहिए, और ये जो फ्यूल होता है ये प्राइमरीली वो यूज़ करती है फैटी एसिड्स या स्टोर्ड फैट। इसलिए जितना आप मसल मास ज़्यादा कैरी करेंगे उतना आपका फैट परसेंटेज कम होता जाएगा। और इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है जब आप बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं या वेट लॉस के पीछे भागते हैं रादर देन फैट लॉस के पीछे। जब आप अपना लीन मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होने लगता है, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो इसका मतलब है आपकी फैट बर्निंग या ओवरऑल कैलोरी बर्निंग कैपेसिटी भी कम हो रही है। तो एक्चुअली में आप अपनी कंडीशन को और ख़राब करते जा रहे हैं। इसलिए मैक्सिमम लोग जो ड्रास्टिक वेट लॉस करते हैं, चाहे वो स्टार्वेशन डाइट्स के थ्रू हो या एक्सेसिव कार्डियो के थ्रू हो, वो लोग अपना लीन मसल मास बिल्कुल खत्म करते जाते हैं, वो लिटरली श्रिंक हो जाते हैं, और जो फैट परसेंटेज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है। थोड़ा सा फैट ऑफकोर्स बर्न होता है बट मैक्सिमम फैट जगह जगह हैंग करने लगता है बॉडी में। एक और जो मेजर प्रॉब्लम होती है जब आपका मसल मास एक्सेसिव लूज होता है वो ये है कि आपकी जो बॉडी होती है वो एफिशिएंट हो जाती है लेस और लेस कैलोरीज बर्न करने में। तो जितना आप एक्सेसिव कार्डियो कर रहे हैं, स्टार्वेशन डाइट्स पे जा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म उतना स्लो होता जा रहा है और आपकी बॉडी और एफिशिएंट हो रही है उस स्लो मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करने में। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि अगर आपको फिटनेस की तरफ जाना है तो आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो है आपका मसल मास, और अगर आप अपना मसल मास इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रेनिंग होती है वो होती है एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। क्योंकि काफ़ी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है। लेकिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस किसी भी तरह की हो सकती है। जनरली जब मैं वेट ट्रेनिंग वर्ड यूज़ करता हूँ उसका मतलब तो सेम है, लेकिन आप लोग ये समझते हैं कि वेट ट्रेनिंग मतलब सिर्फ डंबल्स या बारबल्स या कुछ मशीन्स जिम, ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्टेंस।
जितना आप अपनी बॉडी को रेजिस्टेंस देंगे उतना ज्यादा आपकी मसल्स अडैप्ट करेंगी और ज्यादा ग्रो होंगी, उनका साइज बढ़ेगा, और जितना उनका साइज बढ़ेगा आपकी फैट बर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत डिफरेंस है। आपको फिट और स्ट्रांग होना है, श्रिंक नहीं होना, पतला नहीं होना। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स नॉट योर वेट, इट इज द फैट। आप जिम में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो प्लीज वेट लॉस वर्ड मत यूज करिए, आप यूज करिए वर्ड फैट लॉस, बिकॉज दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन आता है कि सर डाइट इज टू एक्सरसाइज का सही रेशियो क्या है, कितना परसेंट डाइट इंपॉर्टेंट है, कितना परसेंट एक्सरसाइज। आंसर इज देयर इज नो सच रेशियो। ये सारे रेशियोज जो हैं ये सिर्फ मार्केटिंग पर्पज से क्रिएट करे गए हैं। आपकी कंप्लीट हेल्थ और फिटनेस के लिए सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी बहुत सारे इक्वली और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं, जिसमें आता है स्लीप और स्ट्रेस लेवल्स। और जब हम बात करते हैं रेशियो की, तो डाइट इज टू एक्सरसाइज इज टू स्लीप इज टू स्ट्रेस का जो सही रेशियो है वो है 100% इज टू 100% इज टू 100% इज टू 100%। अगर इन चारों में से कोई भी चीज कॉम्प्रोमाइज होती है तो इफेक्ट बाकी तीन पे आपको सीधा दिख जाएगा। एक सिंपल चीज ट्राई करिए, आज रात को मत सोइए, देखिए कल आपकी एक्सरसाइज पे, आपके ईटिंग पैटर्न्स पे और आपके स्ट्रेस लेवल्स पे क्या इफेक्ट आता है। जब आप वजन कम करते हैं तो वो फैट जाता कहाँ है? तो सबसे पहले तो आपको बेसिक बता देता हूँ कि जो स्टोर्ड फैट होता है उसको हम बोलते हैं ट्राई ग्लिसराइड्स, जिसमें कि फ्री फैटी एसिड्स होती हैं और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल होता है। और जब ये ट्राई ग्लिसराइड का डिसोसिएशन होता है फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, तो फिर ये फैटी एसिड्स जो होती हैं आपके ब्लड स्ट्रीम में जाती हैं, वहां से फिर आपके सेल्स में जाती हैं, जहां पे फिर इनका मेटाबॉलिज्म होता है। और जब इनका मेटाबॉलिज्म होता है, क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करके फिर आपको जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। तो कुछ जो फैट था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कुछ फैट जो था जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो वो CO2 में कन्वर्ट हो गया, और बचा हुआ जो था वो मेटाबॉलिक वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ये मेटाबॉलिक वाटर होता है फिर वो आपकी बॉडी से यूरिन, स्वेट उसके थ्रू निकल जाता है, या फिर बॉडी में आपका रिप्लेनिश हो जाता है।